टीवी। विनीत कुमार चौकसी के साथ हुई धोखाधड़ी, क्या है पूरा मामला, देखिए इंडिया लाइव टीवी मीडिया नेटवर्क पर ये खास रिपोर्ट। विनीत कुमार चौकसी के साथ हुई धोखाधड़ी, पूरा मामला इस प्रकार है। विनीत कुमार चौकसी की माता स्वर्गीय सरोज कुमारी गुप्ता के नाम से एक कीता भूखंड भवन संख्या 73A12 EWS योजना 40 दबोली द्वितीय कानपुर नगर में सन 1986 में आवंटित हुआ। माता की मृत्यु 25 दिसंबर 1987 में हो जाने के कारण प्राधिकरण से उसका विक्रय निष्पादित नहीं हो सका। इसी क्रम में विनीत दबियापुर औरैया से कानपुर विकास प्राधिकरण नामांतरण कार्यवाही के लिए गए, जहां उनकी मुलाकात लिपिक आदित्य पांडे से हुई। घर आने के बाद उनके पास गुलाब सिंह यादव नाम के एक व्यक्ति का फोन आता है, जो कहता है कि मैं आपको सारा काम कर दूंगा, आप निश्चित रहिए, मैं कैडियर से ही हूँ। गुलाब सिंह ने विनीत को कई बार फोन किया, मुलाकात कर अपने विश्वास पर कर लिया। विनीत ने गुलाब सिंह के बैंक खाते में अलग अलग राशि ट्रांसफर जारी की, कुल 1,21,000 हुई, जिसका प्रूफ उनके पास मौजूद है। 40,000 कुल कैश भी दिए। विनीत को रजिस्ट्रार ऑफिस बुलाया गया। विनीत की मुलाकात अतुल सोनकर से हुई। सभी से बातचीत होने के बाद उसको बोला गया कि आप इतनी दूर आए हैं, पानी तो पी लीजिए। बोतल का पानी पीने के बाद उनको सुस्ती सी लगी, शरीर में भारीपन होने के साथ साथ आंखों में आगे अंधेरा छाया। इसी मौके का फायदा उठाकर गुलाब सिंह यादव ने प्रॉपर्टी के कई जरूरी कागजातों पर विनीत के हस्ताक्षर करा लिए। थोड़ी देर सामान्य होने पर विनीत को पता चला कि उनकी प्रॉपर्टी चंद मिनटों बाद किसी दूसरे शख्स को बेची जा चुकी है। यह सुनकर वह स्तंभ रह गए। क्या है पूरा मामला, सुनते हैं खुद विनीत कुमार चौकसी की जुबानी इंडिया लाइव टीवी मीडिया नेटवर्क की हुई वार्ता पर। विनीत जी, क्या है पूरा मामला? जी, मैं विनीत कुमार चौकसी, मेरा एक भूखंड भवन दवाली EWS 73A12 था, जो कि मेरी माता जी के नाम आवंटित हुआ था 85 में, और 87 में उनका देहांत हो गया था। उसके बाद मेरे पिताजी ने परस्यू किया, लेकिन वो उसमें कुछ कर नहीं सके। हम लोग बहुत छोटे थे भाई बहन, और उसके बाद हम लोग जब मैं बड़ा हुआ तो उसको परस्यू करने लगा 2010 से। काफ़ी पेटी के चक्कर लगाने के बाद भी कोई बात नहीं बनी। धीरे लगभग पिछले वर्ष 2023 में एक व्यक्ति मुझसे आकर मिला, जिसने बताया कि वह केडीए का व्यक्ति है, और उसको किसी बाबू आदित्य पांडे ने भेजा है। तो वो यह बोला कि मैं आपका काम करा सकता हूँ, और आप मुझे पैसे देना मेहनताना के रूप में, और केडीए में जो शुल्क लगता है वह आप मुझे देना, मैं काम करा सकता हूँ। तो मैंने उसको UPI के माध्यम से 1,21,000 भेजे इस कार्य के लिए, जिसको उसने कराया। 23 मार्च 2024 को उसने मुझे रजिस्ट्री ऑफिस रजिस्ट्री के लिए बुलाया, जहाँ बोला कि वह KDA की रजिस्ट्री हो जाएगी। वहाँ KDA की तरफ से बाबू अतुल सोनकर भी था। वहाँ पर उसने मुझसे कई सेटों पर साइन कराए, जिसका कि मुझे बाद में पता चला कि उसमें से एक सेट उसने धोखाधड़ी से अपने नाम तैयार कर रखा था। तो जब वह मेरी रजिस्ट्री हो गई, तो 10 मिनट बाद उसने वही मेरी संपत्ति की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली, जिसका कि मुझे संज्ञान काफ़ी समय बाद चला, जब मैंने उससे मूल प्रतियां मांगी, जो कि उसने आनाकानी की और नहीं दी। अब वह संपत्ति बेच चुका है, जैसा कि मुझे संज्ञान में आया है। उनका नाम संजय कुमार गुप्ता है, निवासी उज्जैनी है, पुत्र श्री चिरौंजी लाल गुप्ता। अब हमारे माध्यम से आप क्या मैसेज करना चाहेंगे? जी, आपके माध्यम से मेरा शासन प्रशासन से करबद्ध निवेदन है कि मेरी संपत्ति मुझे वापस दिलाई जाए, न्यायोचित प्रक्रिया आई है, और वर्तमान में जो सरकार जो प्रशासन है वो बहुत अच्छा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी संपत्ति मुझे वापस मिलेगी, और जो ये धोखाधड़ी जिन्होंने की है उनको दंड मिलेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद।